हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स विद किंग सेंसर। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th फिजिक्स का एक नया यूनिट, एक नया चैप्टर जिसका नाम है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बच्चों, SHM के इस न्यूमेरिकल सीरीज में आज हम लोग पहला वीडियो लेकर के आए हैं। और पहले वीडियो में, आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं या इस टॉपिक पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है SHM में, और डिस्प्लेसमेंट के अलावा वेलासिटी, इसका एक्सीलरेशन, टाइम पीरियड, इन सब पर बेस्ड क्वेश्चन सीखने वाले हैं। तो बच्चों, एक छोटी सी समरी, क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं तो न्यूमेरिकल से रिलेटेड कुछ फार्मूले और उससे जो थोड़े बहुत कुछ कॉन्सेप्ट है, हम यहाँ पर उसका एक छोटी सी समरी आपको बता रहे हैं। पहले उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। आ जाओ बच्चा, देखते हैं। पर जो SHM में पार्टिकल के, पहले अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट होता है पहला। डिस्प्लेसमेंट मान लो कि अगर पहले केस में हम ले रहे हैं कि अगर वाइब्रेशन या पार्टिकल का मोशन एलॉन्ग वाई एक्सिस है, अगर मोशन एलॉन्ग वाई एक्सिस है तो उस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो उस समय जो विस्थापन का समीकरण है तो वो जनरल इक्वेशन y इज इक्वल्स ए साइन ओमेगा टी, ये इसका जनरल इक्वेशन है। गुड। यहाँ पे बच्चों, स्मॉल a को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ये y डिस्प्लेसमेंट। इस कंडीशन में y मैक्सिमम होता है a के बराबर, ये भी हम लोग पढ़े हैं। y मिनिमम कितना होगा? जीरो होगा। y मिनिमम में और क्या हो सकता है? जीरो। भाई, डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन पे अगर पार्टिकल आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ, हम बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है, मतलब जीरो हो गया। ओके, ठीक है। आ जाओ बच्चों, अब हम लेते हैं कि अगर यही मोशन एलॉन्ग केस सेकंड ले लेते हैं, केस सेकंड में अगर आ दिया गया कि ये मोशन एलॉन्ग एक्स एक्सिस है, अगर एक्स एक्सिस के एलॉन्ग ये मोशन होता है तो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमको मिलता है एक्स इज इक्वल्स ए कॉस ओमेगा टी। तब उस समय जनरल फार्मूला ये लिखते हैं, तब उस समय बच्चों एक्स को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं और ए को एम्पलीट्यूड बोल देते हैं, और बाकी तो पता है ओमेगा कोणीय वेग है और टी टाइम है, ठीक है। तो ये उस समय बच्चों डिस्प्लेसमेंट की कहानी है। इसी मोशन में अगर हम लोग चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट की रही बात, अगर बच्चों हम लोग वेलासिटी की बात बोले, ये तो डिस्प्लेसमेंट वाली कहानी है, एक चीज हमको समझ में आ गई। यहाँ से अगर हम लोग मैक्सिमम निकालेंगे तो एक्स मैक्सिमम कितना होगा? ए, ठीक है। गुड, अब ले लेते हैं बच्चों वेलासिटी वाली कहानी। वेलासिटी एक्स एक्सिस के अलांग जब मोशन होता है तो वेलासिटी को यू से दिखाते हैं, यू बराबर होता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। गुड, यू मैक्सिमम कितना होता है? ए ओमेगा टी, वेरी गुड। आ जाओ इधर वाले में कहानी समझ लेते हैं। इस समय भी बच्चों वेलासिटी को यू से ही दिखाते हैं, बट इस समय ये होता है माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये, और यू मैक्सिमम इस समय माइनस ए ओमेगा इतना होता है। तो बच्चों वेलासिटी दोनों कंडीशन में ये हो गई, नो डाउट, नो डाउट। ओके, आ जाते हैं एक्सीलरेशन पे। तो वेलासिटी हो गई, अब देख लेते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बच्चों, एक्सीलरेशन को अल्फा से दिखाते हैं, इक्वेशन बोलो, इक्वेशन 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 होता है अल्फा बराबर माइनस
ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये। अच्छा, इसका हम लोग एक फार्मूला भी लिखते हैं, अल्फा इज इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये भी लिखा जा सकता है। बच्चों वेलोसिटी वाले में फार्मूला, अगर आपको पार्टिकल मान लो वाई एक्सिस के लंग ऑसिलेट कर रहा है या मोशन कर रहा है, तो उस कंडीशन में वेलोसिटी का फार्मूला ये भी होता है, ओमेगा यू इज इक्वल्स ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वेलोसिटी का फार्मूला है। याद करेंगे, याद रखेंगे इसको, तो बताना भूल गए हम। ठीक है, y एक्सिस के अलावा अगर मोशन होता है तो एक्सीलरेशन होता है इतना, और x एक्सिस में अगर देखा जाए तो x एक्सिस में कितना होगा, अल्फा इज इक्वल्स तो ये हो जाएगा a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t, ये फार्मूला है। तो फार्मूला सॉरी इक्वेशन है ये, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कल ये इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, और जब पढ़ चुके हैं तो न्यूमेरिकल भी आसानी से लग जाएंगे, कंपैरिजन मेथड है, बहुत आसान आसान सी चीजें हैं। तो ये तो इक्वेशन की रही बात। अब बच्चों हम लोग समझ लेते हैं एनर्जी के बारे में। जो पार्टिकल एसएचएम करता है उसके पास दो तरीके की एनर्जी होती है, पहली होती है काइनेटिक एनर्जी, छी कितना गंदा लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है के इज इक्वल्स वन बाई टू एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी होती है कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर यू है ना, आ जाओ बच्चों अब एनर्जी के बारे में समझ लेते हैं। एसएचएम जो पार्टिकल करता है उसके पास दो तरीके की एनर्जी होती है, और वो दो तरीके की एनर्जी में पहली एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग समझ लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1 बाय 2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी होती है। और दूसरा जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी होती है 1 बाय 2 एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो इसके पास टोटल एनर्जी पार्टिकल के पास होती है वो है E is equals half m omega square into A square। ठीक है, जो बच्चे नहीं समझ पाए या नहीं जो पढ़े थे जल्दी से फार्मूला नोट कर लो, बहुत जल्दी से नोट कर लो। ओके 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 आ जाओ। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला जिसका नाम है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड का फार्मूला टी इज इक्वल्स जनरल फार्मूला टू पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय एक्सीलरेशन, विस्थापन बटे त्वरण, बस यही फार्मूला हमको यूज करना है। ठीक है, तो सारे फार्मूले जो है ज्यादातर यूज करने वाले हम लोग समझ लिए हैं, बाकी फार्मूले जैसे जैसे हम लोग सवाल लगाते रहेंगे मिलता रहेगा, उसी में समझते रहेंगे। आ जाओ तो क्वेश्चन शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज का। पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, क्या है 50 साइन 500 टी प्लस 0.5। बच्चों जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अभी से मैं बता दूं, यूनिट में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दूंगा सभी में डिस्टेंस की यूनिट मीटर या सेंटीमीटर, नहीं सेंटीमीटर रहेगी, डिस्टेंस की सभी यूनिट सेंटीमीटर और टाइम की यूनिट हमेशा सेकंड। फिर से जितनी भी डिस्टेंस रहेगी सबकी यूनिट सेंटीमीटर और जितना टाइम रहेगा सबकी यूनिट सेकंड, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ओके आ जाओ पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अगर वाई बराबर इतना दिया गया है तो एम्पलीट्यूड एंगुलर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी इनिशियल फेज इतनी चीजें फाइंड करना। ठीक है, फाइनल करते हैं बच्चों, हम लोग जनरल इक्वेशन से कंपेरिजन करें, y इज इक्वल्स a sin ओमेगा t, कंपेयर करते हैं a के स्थान पे कितना दिया गया है 0.50, गुड इतने सेंटीमीटर मिल गया पहले का आंसर। ओमेगा निकालना है तो देखो ओमेगा के स्थान पे 500 है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई, सीधे सीधे ओमेगा टी है, ओमेगा निकालना, ओमेगा के स्थान पे कितना 500 इतने रेडियन पर सेकंड, दूसरा आ गया। तीसरे बच्चों हमसे फ्रीक्वेंसी पूछा है,
ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन, या एन बराबर ओमेगा बाई 2 पाई। एन बराबर ओमेगा कितना है, 500 अपॉन 2 पाई, इतने हर्ट्स, ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई इनिशियल फेज। बच्चों कभी भी कोई भी क्वेश्चन में अगर इनिशियल वर्ड आ गया दैट मीन्स टी इज इक्वल्स 0, फेज इसका कितना है, तो यहाँ पर आप लिख लोगे इस क्वेश्चन में फेज हमको दिया गया है 500 t + 0.5, इतना है इनिशियल फेज, मतलब एट टी इज इक्वल्स 0, टी 0 पुट अप कर दोगे तो ये 0, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा इनिशियल फेज या इसकी प्रारंभिक कला, ये मिल जाएगी 0.5, इतने रेडियन। ये इनिशियल फेज है इसकी, कोई डाउट, वेरी गुड। क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी से नोट करिए, बहुत जल्दी से नोट करना है, ओके ठीक है। आज ये दूसरे वाले क्वेश्चन को पर दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, टी इनिशियल फेज और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ओके। तो जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन करो, y इज इक्वल्स a sin ओमेगा t, y लिखा है तो y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या वाइब्रेशन हो रहा है, तो y इज इक्वल्स a sin ओमेगा t से कंपैरिजन करो, a इज इक्वल्स 0.3, गुड गुड। फिर ओमेगा का मान बताओ, लेकिन पूरे क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है बच्चा, 20 पाई देखो बाहर में निकालिए चलाकी से, तो हम लोग इसको अंदर कर लेते हैं, 0.3 साइन कर ले, 20 पाई का अंदर गुणा करेंगे तो 20 पाई t, 20 पाई का इसमें गुणा करोगे तो 20 25 हो जाएगा 100, मतलब ये तो चीजें खत्म हो जाएगी, बचेगा खाली पाई, 20 पाई × 0.05, 20 25 100, 100 में 2 × 10 = 1 हो गया, गुणे पाई का वही बच जाएगा पाई, यहाँ लिख दो। अब हमारा सवाल मिल गया, y इक्वल्स इतना हो गया, इतने सेंटीमीटर। रही बात टी, तो टी के लिए पहले ओमेगा निकालना होगा, ओमेगा के स्थान पे कितना है 20 पाई, तो 20 पाई कर लो, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई / t इज इक्वल्स 20 पाई, तो पाई से पाई मर गया, ये इससे मर गया 10 हो गया, मतलब ये मिल गया t इज इक्वल्स 1/10 या t इज इक्वल्स 0.1 सेकेंड, इसका आंसर हो गया, वेरी गुड। इनिशियल फेज फिर से वही चीज, t इज इक्वल्स 0 लग दोगे तो ये 0, मतलब इनिशियल फेज हमको कितना मिल गया, इनिशियल फेज एट t इज इक्वल्स 0, t 0 कर दोगे तो ये तो 0 बचेगा पाई, मतलब कितना आ गया इनिशियल फेज पाई, ये ठीक है। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वही t के स्थान पे 0 लग करके पूरा डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल्स 0, t की वैल्यू 0 पुट अप कर दी, ये 0 हो गया, बचेगा साइन, 0 में पाई जोड़ दोगे पाई, साइन पाई की वैल्यू 0, 0 में y पूरे संख्या गुणा कर दोगे तो 0, मतलब टोटल इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 0। कौनो तकलीफ, कौनो डाउट, कौनो समस्या, फिर से देख लो, इनिशियल जब भी कह दिया जाए तो इनिशियल का मतलब टी इक्वल्स 0, टी इक्वल्स 0 पुट अप कर देंगे तो ये तो 0 हो गया, बचेगा पाई, 0 + π = π, साइन पाई की वैल्यू 0, 0 का गुणा इसमें कर दोगे 0, मतलब y बराबर 0, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट शुरू में 0, सुनना, ओके। बहुत जल्दी से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, बहुत है जल्दी से, ओके बच्चा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, मौज उड़ाते हुए। ये देखो x बराबर दे दिया गया, मतलब पार्टिकल x एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट कर रहा है, तो इस कंडीशन में हम लोग लिखते हैं जनरल इक्वेशन x इज इक्वल्स a cos ओमेगा t वाला, a का मनवा बोलो a बराबर 0.06 सेंटीमीटर है, आ गया गुड। अब देखो u मैक्सिमम निकालना है बच्चों, यहाँ से हम लोग पहले ओमेगा ओमेगा के बारे में निकाल लें तो खुश हो लेते हैं, ओमेगा भी निकाल लो इसी समय, ओमेगा निकाल लोगे, ओमेगा के स्थान पे कितना है पाई बाई 2, इतने रेडियन पर सेकंड, चलो ओमेगा भी मिल गया। यू मैक्सिमम निकालना, यू मैक्सिमम याद है, यू मैक्सिमम होता है ए ओमेगा, इतना तो याद है, यू मैक्सिमम कितना होता है ए ओमेगा, तो ए ओमेगा होता है तो ए ओमेगा की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, तो ए ओमेगा हो जाएगा यू मैक्सिमम बराबर ए का मान, यू मैक्सिमम निकालना है तो ए का मान है 0.06 इंटू ओमेगा कितना है पाई बाई 2, इससे ये कट गया 0.03 मिल गया,
मतलब ये हमको मिल गया u मैक्सिमम बराबर 0.03 पाई इतने सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये आ गया u मैक्सिमम। देख लो बहुत जल्दी से u मैक्सिमम कितना आ गया, u मैक्सिमम 0.03 पाई। ऊपर वाला तो सब नोट कर लिए हैं इसलिए इसको देते हैं मिटा। तब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे अगला सवाल। यार देखो u मैक्सिमम मिल गया, अल्फा मैक्सिमम निकाल लेते हैं। अल्फा मैक्सिमम किसके बराबर होता है, अल्फा मैक्सिमम होता है a ओमेगा स्क्वायर। माइनस रहता है, माइनस खाली बताता है कि ये जो डायरेक्शन है वो हमेशा फोर्स की डायरेक्शन इनिशियल पोजीशन की तरफ होती है, मेन पोजीशन की तरफ होती है, अदरवाइज का कोई मतलब नहीं है। अल्फा मैक्सिमम ए ओमेगा स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 0.06 इंटू ओमेगा स्क्वायर पाई बाई टू का स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई फोर, तो ये इससे कट कुट होगा तो 15 × 60 0.015 इतने पाई स्क्वायर इतने सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया अल्फा मैक्सिमम। कोई डाउट? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल आ गया बच्चों, तो टी की वैल्यू 0 रख दो। देखो टी की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये तो 0 हो गया। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो टी इज इक्वल्स 0 लेना पड़ेगा, और टी इज इक्वल्स 0 अगर ले लेते हैं तो टी का मान 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा पाई बाई फोर। कॉस पाई बाई फोर कितना होता है, 0.06 इंटू कॉस पाई बाई फोर कितना होता है, 1/√2। x इज इक्वल्स 0.06/√2 इतने सेंटीमीटर। ये तो ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। ओके क्लियर है? बहुत जल्दी से जल्दी नोट करो। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, कहा कि अगर m इतना है और इक्वेशन ये है तो फ्रीक्वेंसी इनिशियल फेज u मैक्सिमम अल्फा मैक्सिमम और ये e क्या होगा। आ जाओ e निकालते हैं। e कैसे निकालेंगे, पहले तो जनरल इक्वेशन x इज इक्वल्स a cos ओमेगा t पता है, पता है इतना होता, आप मत बताइए। देखो a का मान कितना है, a बराबर 0.5 सेंटीमीटर, बहुत पता है कि x की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। ओमेगा का मान देख लो, ओमेगा 100 दिया गया है, गुड, इतने रेडियन पर सेकंड मिल गया, वेरी गुड, ठीक है। ओमेगा मिल गया तो n निकालेंगे, n बराबर ओमेगा बाई 2 पाई या ओमेगा बराबर 2 पाई n, ओमेगा बराबर n ही तो निकालना है, तो क्या कहानी, n बराबर 100 डिवाइड बाई 2 पाई दैट मींस 50। छी छी कितनी गंदी राइटिंग, 50 बाई पाई, n इज इक्वल्स 50 डिवाइड बाई पाई इतने हर्ट्ज, ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। गुड इनिशियल फेज, फिर से इनिशियल मैथ मतलब एट टी इज इक्वल से 0। इनिशियल फेज मतलब टी इज इक्वल से 0, इसी फेज में टी 0 रख दोगे तो ये तो हो गया 0, बचेगा 3π/4। 3π/4 का मतलब कितना हुआ, कितना हुआ, 3×180/4, 4 से इसको काट दोगे तो 45, 45 दूनी 90, 90 में 45 जोड़ दो 135। इनिशियल फेज, इनिशियल फेज निकालना है ना तो टी इज इक्वल्स 0 रख दे, क्या कर लिया, भटक गए, कोई बात नहीं। टी इज इक्वल्स 0 रख दोगे तो 0 बचेगा 3π/4, मतलब इनिशियल फेज हमको कितना मिल गया, 3π/4, ये मिल गया। यू मैक्सिमम, यू मैक्सिमम क्या होता है बच्चा, ए ओमेगा होता है। ए का मान कितना निकाले, 0.5, ओमेगा कितना आ गया, 100 गुणा कर दिया 50 सेंटीमीटर पर सेकंड, गुड बहुत अच्छे। अल्फा मैक्सिमम बता दो, अल्फा मैक्सिमम होता है ए ओमेगा स्क्वायर, ए कितना है 0.5 ओमेगा स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 10^4 मतलब 10,000, तो 10 का इसमें गुणा कर दोगे 5,000 आ जाएगा, क्या कितने सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर अल्फा मैक्सिमम हो गया।
मैक्सिमम अल्फा हो गया बच्चों, ठीक है। फिर लेते हैं ई, ई निकालते हैं ई, आज आप देखते हैं ई वाला कैसे निकालेंगे, ई वाला। ओके, ई ई का फार्मूला होता है 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यही तो होता है। यस गुरुजी, नॉट गुरुजी सर, 1.2 इंटू यम का मान 0.1, ओमेगा स्क्वायर मतलब 10^4, ओमेगा बराबर 100, 100 का मतलब 10^2, इसका स्क्वायर करने 10^4, 10^4 का मतलब 10,000। गुड गुड गुड। ए स्क्वायर, ए का मान 0.5, इसका स्क्वायर 0.25, कौनो बात नहीं। इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, गुणा कर दोगे 2 जीरो मर जाएगा यहाँ 10, ये खत्म। 1 जीरो से ये 10 उड़ा देते हैं, क्या उड़ाए हैं 10, 2 से काट दो 2×5 10 हो गया, 5 का गुणवा इसमें कर दो, ई बराबर 25×25 जूल कहाँ से आ जाएगा, बेवकूफ बना रहे हैं। जब ये सिस्टम में सेंटीमीटर उटर कह रहे हैं तो जूल नहीं आएगा तो बच्चा तब क्या आएगा, इसकी यूनिट बड़ी तकलीफ दे है यार। देखो सब दूरी तो सेंटीमीटर में है, लेकिन मास इसका किस में आ गया था, किलोग्राम में। तो ऊर्जा का मात्रक क्या लिखें, आ जाओ ऊर्जा का पूर्ज खोल देते हैं। देखो ऊर्जा जो कार्य के मतलब एनर्जी का मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे मास तो किलोग्राम है, सेंटीमीटर स्क्वायर करना है तो इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो, प्रति सेकंड स्क्वायर कर दो। अब बच्चा इसको एक का सिस्टम में लिखो, या तो सेंटीमीटर वाले में लिख लो, या तो फिर मतलब एमकेएस में लिख लो या सीजीएस में लिख लो। तो क्या किया जाए, किया ये जाए कि अब यहाँ पे ऐसा क्यों मिला, ऐसा इसलिए मिला क्योंकि जो द्रव्यमान था वो तो किलोग्राम में, बाकी सब यूनिट इसकी सेंटीमीटर में हमें नापनी है। तो इसकी यूनिट इतना ही लिख के छोड़ दो ना, क्या करने की जरूरत है। अगर इतना नहीं लिखना चाहते, एनर्जी अगर आपको कुछ और निकालनी है ये तो इतना ही लिख लो, और जूल, जूल तो तब न लिखेंगे जब इसकी यूनिट हमको मीटर की जगह सेंटीमीटर की जगह मीटर होती तब। बच्चों एक बात आप लोग अच्छे से समझ लो, मैं यहाँ पे जितने भी न्यूमेरिकल आपको बता रहा हूँ उसमें क्योंकि सारे क्वेश्चन हमको लिखने पड़ते हैं, इसलिए क्वेश्चन लिखने में बहुत लेंदी हो जाएगा। इसलिए आप लोग हमेशा याद रखो, मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ उसका आप केवल मेथड समझो। मैंने अपने अकॉर्डिंग यूनिट डिसाइड कर ली है, वो यूनिट है डिस्टेंस की सेंटीमीटर, टाइम की सेकेंड। अब आपके बुक में जो आपके पब्लिकेशन की मित्र वाली बुक है उसमें आप देखोगे तो जिसमें यूनिट आपको मीटर में रहेगी, अभी यही वाला क्वेश्चन अगर सेंटीमीटर की जगह मीटर होता तो हम सीधे जूल लिख देते। आप अगर सेंटीमीटर की जगह मीटर माने हो तो आप सीधे जूल लिख सकते हो, बट मैं नहीं लिख सकता क्योंकि मैं यहाँ पर सेंटीमीटर की जगह मीटर नहीं माना हूँ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग है। आप यूनिट अपने अकॉर्डिंग लेकर चलो, प्रोसेस उसका यही, प्रोसेस उसका ऐसा कुछ ना हो इसलिए हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, टाइम सेकंड में, ठीक ने। अब यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, 10y बराबर दिया है, डिस्प्लेसमेंट का जनरल इक्वेशन में तो y बराबर रहता है, इसलिए हम लोग y बराबर निकाल देते हैं। तो 10 को इधर भगा दो तो y इज इक्वल 10 का इसमें भाग कर दोगे 0.01 साइन 50 पाई t, ठीक है। जनरल इक्वेशन होता a साइन ओमेगा t, ठीक है। a मिल गया 0.01 मीटर, डिस्प्लेसमेंट मीटर। ओमेगा का मान देख लो, ओमेगा बराबर 50 पाई मिल रहा है, इतने रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा 50 पाई मिल गया। ओके, ओमेगा मिल गया तो हम लोग एन तो निकाल ही ले जाएंगे, एन बराबर ओमेगा बाई 2 पाई, एन इज इक्वल ओमेगा हो गया 50
पाई डिवाइड बाय 2 पाई, पाई से पाई मर गया, ये हो गया 25, n इज इक्वल्स टू 25 इतने हर्ट्ज। कोनो तकलीफ, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, अगला वाला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लिखा है यदि एक सरल लोलक के लिए सारी चीजें कि उसका आवर्त काल 2 सेकंड है और उसका आयाम 5 सेंटीमीटर है। इस बार डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की यूनिट सेंटीमीटर, टाइम की सेकंड है। इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखना, लिख लेते हैं, कौन तकलीफ है। a बराबर y बराबर a sin ओमेगा t होवे करता है, y इक्वल्स a का मान 5 दे दिया गया है, sin ओमेगा का मान हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाय t, कैपिटल t बका देते हो गुरुजी t into स्मॉल t, y बराबर 5 sin 2 पाई, 2 पाई बाय t का मान दो फिर इंटू t कर दो, तो 2 से 2 कट गया, y बराबर मिल गया 5 sin पाई t। ये हमको इक्वेशन मिल गया, मतलब इसका उत्तर y हो गया। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकंड एंड वेलोसिटी भी फाइंड करना, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो कहां लगाते हैं, यहां लगा देते हैं। ये इक्वेशन है 5 सेकंड बाद एट टी इज इक्वल्स 5 सेकेंड, टी की वैल्यू 5 लग दो, 5 पर रख देंगे टी की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, देख लो यार, देखो बच्चों, वाई बराबर ये हो जाएगा 5 साइन पाई इंटू टी का मान 5 है, वाई बराबर 5 साइन 5 पाई। अब साइन 5 पाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो एक फार्मूला ही याद, साइन एन पाई प्लस माइनस थीटा, इसका फार्मूला, तो एन पाई प्लस माइनस थीटा, साइन अगर हम लोग बात करें 5 पाई की, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वाई बराबर 5 साइन, इसको आप लिख सकते हैं 2 पाई मतलब 4 पाई प्लस पाई, इतना साइन 4 पाई, 2 पाई का मतलब 360, मतलब फिर से वही कोऑर्डिनेट, फिर 2 पाई मतलब 4 पाई, फिर से वही कोऑर्डिनेट, मतलब ये हमको मिल जाएगा y बराबर 5 sin पाई मिलेगा। कितना मिलेगा, वेट 5 1 मिनट, ओके, पाई 180 प्लस थीटा बराबर कास थीटा, ये बच्चों कास पाई, साइन 5 पाई को हम साइन 4 पाई प्लस पाई लिखेंगे, तो कास पाई हो गया, कास पाई की वैल्यू -1, -1 का इसमें गुणा कर दोगे, वाई बराबर -1 इतने सेंटीमीटर, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी का मान निकाल लो, टी पर तो इक्वेशन लिख लो, थोड़ा बवाली सवाल मिल गया भाई, मिटा देते हैं इसको, हाँ गुरुजी मिटा ही दीजिए, कंफ्यूज कर रहा है, कोई किसी का कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देखो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं, u बराबर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बोलो a ओमेगा cos ओमेगा t, कोई दिक्कत नहीं, u बराबर a का मान कितना है 5, ओमेगा तो होता है 2 पाई बाय t पता है, cos ओमेगा बराबर 2 पाई बाय t, बड़े लेटर वाला t होता है गुरुजी, टी लिख दो, इंटू टी 5 इंटू 2 पाई बटे टी का मान दो, कास 2 पाई बटे टी का मान दो, फिर टी स्मॉल टी का मान 5, क्योंकि आफ्टर 5 सेकंड मतलब टी का मान 5 सेकंड, 8 टी बराबर 5 सेकंड, तब 2 से 2 मर गया, 2 से 2 मर गया, ये हो गया 5 पाई कास 5 पाई। अब कास 5 पाई को हम लोग लिख सकते हैं 5 पाई cos 4 pi plus pi, cos 4 pi plus pi is equals 4 pi plus pi is equals 5 pi sin pi, ये हो जाएगा 0, sin pi equal to 0, तो u बराबर 0, 8 t is equals 5 second, u 0 और y minus 1, कोई दिक्कत, okay good। आ जाते हैं बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
हाँ, बताइए बताइए सर जी, बताइए क्वेश्चन नंबर से। ये हमको इतनी मेहनत इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि कुछ बच्चे बहुत आलसी किस्म के, बिल्कुल हमारी तरह। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि कोई कण है जो यह सक्षम कर रहा है, उसका आवर्तकाल इतना है और उसका आयाम इतना है, यू मैक्सिमम अल्फा मैक्सिमम फाइंड करना है। तो आ जाओ, यू मैक्सिमम का फार्मूला ए ओमेगा। गुड। ए का मान 4 सेंटीमीटर, ओमेगा होता है 2 पाई बाई कैपिटल T। तो ये हो गया 4 दूनी 8 पाई बटे T का मान 0.05। ये हो गया यू मैक्सिमम, इतने सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये इसका आंसर हो गया। अल्फा मैक्सिमम चाहिए तो अल्फा मैक्सिमम बराबर ए ओमेगा, इसको माइनस आता है, अल्फा मैक्सिमम बराबर ए का मान 4 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 2 पाई बाई टी होती होता है 2 पाई का स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर बटे T स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो तो ये 5 × 10⁻²⁻ हो सकता है, उसका स्क्वायर कर दोगे तो 25 × 10⁻⁴ मिल गया। इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो गया 16 बटे 25 पाई स्क्वायर, फिर गुणे 10,000, ये ऊपर जाएगा 10 प्लस 4, उसको अपन कितना लिख सकते हैं, 25 से कम 25, 25 × 100, 16 × 64, तो ये हो जाएगा अल्फा मैक्सिमम बराबर 16 × 64 00 पाई स्क्वायर, इतना हम लोग लिख सकते सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बहुत जल्दी से क्वेश्चन नोट करो, बहुत जल्दी से जल्दी से। ओके बच्चों, कुछ लोग जो लोग उत्तर माला खोल के बैठे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे, आ जाओ देख लेते हैं। यू मैक्सिमम बराबर 8 पाई बटे 0.05 है, इसी में 100 से भागाकार कर दो, ये ऊपर चला जाएगा, 100 से भाग कर दोगे ये ऊपर चला जाएगा, तब क्या होगा, तब देखो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1/100, मतलब ये नीचे आ जाएगा, 100 से भाग कर दिए, कोई क्वांटिटी में 100 से भाग, इतने मीटर प्रति सेकंड, इसका इसमें गुणा कर दिए, इसका इसमें गुणा कर देंगे 5, 5 से इसको काट दोगे 16 × 85 1.06 पाई, इतने मीटर प्रति सेकंड। वैसे यहाँ पर भी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में लिखना है, तो अल्फा मैक्सिमम बराबर 6400, इसमें 100 से भाग कर दो, इतने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो 0000 मर गया, 64 पाई स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बच्चे यूनिट के लिए अपना समझ लो कैसे लगाना है। आज ये लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8, 18 सवाल कहा गया कि एसएचएम करते हुए किसी पार्टिकल का टाइम पीरियड इतना है, एम्पलीट्यूड इतना है, यू मैक्सिमम, और आपको लेना है यू का मान एट टी बराबर इतने सेकंड। अच्छा, पहले हम लोग यू का इक्वेशन लिख लें, U बराबर ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, नहीं नहीं ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, U इज इक्वल्स ए का मान 10, ओमेगा 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई बाई 0.1 कॉस 2 पाई बाई 0.1 टी, U इज इक्वल्स डिवाइड कर दिया तो ये 100 × 2 मतलब 200 पाई कॉस 20 पाई टी, ठीक है। यू मैक्सिमम निकालना है तो ये वाली वैल्यू वन, ये हो गया 200 पाई, इतने सेंटीमीटर प्रति सेकंड, या आप इसमें 100 से भाग कर दोगे तो 2 पाई मीटर प्रति सेकंड, यू मैक्सिमम ये हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद हमको हमको कैन निकालने के लिए कहा गया है, फिर इसके बाद हमसे कहा गया है यू एट टी बराबर 1/12, यहाँ पे मान रख दो यू बराबर 200 पाई कॉस 20 पाई इंटू टी के स्थान पे 1/12,
चार तीन बारह, चार पच्चीस बीस, यू इज इक्वल्स 200 पाई कॉस 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3, 5 इंटू पाई 180 बाई 3, 3 छक 18 60, 6 पच्चे 30, 300। ओके, यू बराबर 200 पाई कॉस 300 अंश, 300 अंश, 300 अंश को हम लोग कैसे क्या लिख सकते हैं? तो देखते हैं बच्चों, यू बराबर 200 कॉस 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3 का मतलब 300 अंश, और अगर ये 300 अंश है तो 300 को हम लिख सकते हैं 360 माइनस 60, 360 माइनस 60 मतलब कॉस 360 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 60 का मान 1/2 भाग कर दिया, मतलब ये हमको मिल गया 100 पाई। तो 100 पाई इतने सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं बच्चों, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द